नमस्कार, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सिटी लाइव न्यूज लगातार जो राजस्थान के दुकानदार महासंघ है उनके लोगों से, उनके पदाधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहा है और वास्तविक जो हकीकत है वो जानने की कोशिश कर रहा है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दुकानदारों को और छोटे व्यवसायियों को सरकार की तरफ से क्या लाभ मिलना चाहिए, क्या उनकी योजनाओं से लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इन सब पर हम लगातार पिछले दो दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कल जैसा कि हमने चर्चा की थी, जिसमें जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ किशोर जी मौजूद थे और इसके अलावा झुंझुनू से हमारे साथ उनके अधिकारी मौजूद थे, बीकानेर से भी मौजूद थे और जोधपुर से मौजूद थे। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आप हैं राजस्थान दुकानदार महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल जी और साथ में हमारे मौजूद हैं भारतेंदु सैनी जी, जो कि हनुमानगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी और भारतेंदु जी, आप दोनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं अरुण जी, आप क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जयपुर में हैं, क्योंकि सरकार भी यहीं से चलती है, मुख्यमंत्री भी यहां पर बैठे हुए हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो COVID-19 को देखते हुए लगातार दुकानें बंद रही थी और अब जब वापस दुकानें खुली हैं, तो कितनी राहत आप लोगों को मिली है, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो या फिर आम जनता के माध्यम से। देखिए, सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार की बात करूं या मैं राज्य सरकार की बात करूं, उन्होंने घोषणा तो काफी की जी, लेकिन दुकानों के हिसाब से देखें, व्यापार के हिसाब से देखें, तो अभी तक उसका वास्तविक लाभ नहीं मिला। जो COVID-19 महामारी पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में आज फैली हुई है, उसको बचाने के लिए और उसको फिर दोबारा स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए इनको काफी कुछ करना पड़ेगा। सरकारों को अपनी पॉलिसी क्लियर कट करनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेट्स को जो आज तक वो अभी तक इंस्ट्रक्टर के रूप में थे, अब उनको एडवाइजर के रूप में हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। जहां तक मैं एमएसएमई चुकी, मैं फोर्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ, राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी सेक्रेटरी प्रवक्ता हूँ, तो मैं इंडस्ट्री एमएसएमई को डील करता हूँ, एमएसएमई का बता दूंगा। जैसे इन्होंने 20 लाख करोड़ का भी पैकेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें 3 लाख करोड़ हमारे एमएसएमई के लिए दिए, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ दिए, लेकिन 3 लाख करोड़ में उसने जो नए उद्योग आएंगे ये 3 लाख करोड़ उनको दिए हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन है, उसके लिए न इन्होंने कोई प्रोसीजर किया न कुछ किया। इनको तो बेस लेवल पे, हर स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेटर बनाना पड़ेगा, एक फैसिलिटेटर सेंटर बनाना पड़ेगा, बैंकों को अपने नोडल ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा। जब तक ये एमएसएमई में नहीं होगा और जो नए उद्योग आ रहे हैं, अभी जो नई संभावना आई है, जो चाइना का मैटर सुन रहे हैं आप, और उसमें भारत के लिए स्वर्णिम युग है, ऐसे में भारत को इनकेस हो सकता है यदि इनकी पॉलिसियां, दोनों सरकारों की पॉलिसी, पहले तो केंद्र सरकार जो पॉलिसियां लाती है और फिर राज्य सरकार भी चाहती है कि हमारे राज्य का डेवलपमेंट हो। आज आप देखे होंगे सीडो मैगजीन जो आई अमेरिका की, उसमें राजस्थान को इंडिया के हिसाब से पहला स्टेट दिया गया और इंडिया को 5 कंट्री में पहला स्थान मिला है यूएस की मैगजीन सीडो में। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है हमारे लिए। ऐसे में सरकारों को नई पॉलिसी बना के, नए उद्योगों को लगा के और उसको फैसिलिटेटर सेंटर बना के, कोऑर्डिनेटर बना के, नोडल अफसर बना के, एक एक 1-to-1 आज हमको हर कमेटी में लिया जाए। कमेटी में हम ऑलरेडी है, अभी भी कई कमेटियों में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, एमएसएमई का रिप्रेजेंटेशन है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का, लेकिन हमारी खाली बात सुनी जाती है, उसको फिर कोर्ट जब रिजल्ट आता है फाइनल, उस समय हम देखते हैं कि हमारी कुछ मांग थी और ये कुछ कर दिए। ऐसे में तो फिर ऐसे सदस्यों को बनाने का फायदा क्या हुआ सरकार की तरफ से, जब आप लोगों को सदस्य बनाते हैं और आपकी सलाह अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या फायदा मिलता है? सलाह लेते हैं और सलाह मानते भी हैं, लेकिन सलाह को प्रैक्टिकल रूप में कैसे काम में लिया जाए, आज प्रैक्टिकल हमारे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे में वो हमको पास में बैठा के और हमसे 1-to-1 सेक्टर वाइज आज क्लस्टर डेवलपमेंट करने का ये मौका है। ऐसे में हमको पास में बैठा के जो नियम कानून आते हैं उसमें हमको लास्ट तक रखा जाए कि यहाँ क्या सुविधा आ रही है, अब किस इंडस्ट्रीज को आ रही है, किस दुकानदार को आ रही है, कौन से हमारे व्यापारी को आ रही है। ऐसे में हमको यदि पास में बैठा के रखेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान, जो कि अभी यूएस की मैगजीन ने अपने डाटा में बोला है और हम धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का, कि उन्होंने पहला राजस्थान ऐसा स्टेट है जिन्होंने ऐसी एक पॉलिसी लाई है, पोर्टल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पोर्टल और एमएसएमई नई पॉलिसी घोषणा की है,
जिसमें 3 साल तक किसी इंडस्ट्रीज को कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी वो एक सिंपल फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करा ले और 3 साल तक वो काम करे और उसके बाद उसको, मेरे को मालूम है, हम व्यापारी उद्योगपति समझ रहे हैं कि 3 साल आगे एक्सटेंशन भी होगा। और तो मैं बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी आप पर इसी विषय पर फिर दोबारा से आऊंगा। हमारे साथ भारतेंदु जी भी जुड़े हुए हैं, भारतेंदु सैनी जी जो कि राजस्थान दुकानदार महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं हनुमानगढ़ से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि अरुण जी अभी बता रहे थे कि केंद्र सरकार की जो 20 लाख करोड़ की योजना थी उसमें एमएसएमई और छोटे जो उद्योगपति हैं व्यवसायी उनके लिए भी योजना है, लेकिन वो सारी सारी नए उद्योगों के लिए, नए व्यवसायियों के लिए है। लेकिन जो आप इतने लाखों की संख्या में पूरे देश में जो वर्तमान में दुकानदार हैं या जो छोटे व्यवसायी हैं उन तक अगर इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा तो आप तो सारे नुकसान में जाएंगे, फिर नए लोगों के आने का क्या मतलब? मैं आम बात करूंगा आज आम दुकानदारों की, क्योंकि आम दुकानदार कल भी ठगा हुआ था, आज भी ठगा हुआ है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। 20 लाख करोड़ रुपए का जो भी है उसमें आम दुकानदारों का कोई फायदा नहीं है किसी भी तरह का। आज कोरोना 19 के अंदर हम COVID-19 में देखें तो मतलब कि इसके अंदर ये कि पूरा साल वो 30 साल 40 साल करके अपना व्यापार करता है, उसके बाद वो सारी सिस्टम करता है और उसके बाद आज स्थिति ये है कि वो 1 महीने भी अपने घर का परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। इस चीज को देखते हुए देखते हैं तो सरकार ने किसी भी तरह की कोई योजना कभी भी धरातल पे आम दुकानदारों के हित में नहीं रही। आज मैं बात करूं हनुमानगढ़ की तो हनुमानगढ़ के अंदर बहुत बुरी स्थिति है, बहुत सारे शोरूम्स बंद हो रहे हैं, बहुत सारी स्थिति विकट है और कुछ लोग यहाँ तक कि आत्महत्या तक भी आम दुकानदार करने पर मजबूर हो रहा है। मतलब कि अगर अभी बात करेगी, अभी तो EMI अगस्त तक ड्यू है, जब EMI स्टार्ट होगी तो उस समय दुकानदारों की क्या स्थिति होगी, ये बड़ा विचारणीय विषय है। तो इस चीज को लेकर सरकार ने कभी कोई नहीं बनाई। जो जहां तक बात है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिए वो दिए, इसमें किसी भी तरह का कुछ भी आम दुकानदारों को नहीं दिया गया है। जी अरुण जी, जैसा कि भारतेंदु जी बता रहे हैं कि आम दुकानदार जो हैं उनको किसी भी तरह की जो राहत है वो अभी तक नहीं दी गई है। आप क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में भी रहते हैं, आप केंद्र सरकार के संपर्क में भी रहते हैं, तो आप लोगों ने क्या छोटे दुकानदार जो व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं जो लाखों की तादाद में है, यानी कि करोड़ों व्यवसायी हैं जो पूरे देश में है, तो उनकी बात आपने मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाई? एकदम बिल्कुल आप सही बोले दीपक जी। हमारी मुख्यमंत्री जब बजट घोषणा करते हैं, बजट के पहले प्री बजट मीटिंग करते हैं, राजस्थान कर सलाहकार संघ का उसमें भी एक सदस्य हूँ, मैं हमेशा उनको प्रस्ताव भी दे के आता हूँ अपना सहयोग में। जो आप व्यापारी वाली बात बताए, हमने पिछली सरकार में भी लगातार ये प्रस्ताव दिया था, ये सजेशन दिया था कि इंडस्ट्रीज के लिए तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट पूरा है, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई मंत्रालय नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, खाली GST या इनकम टैक्स या जो लागू होते हैं वो सब तो सब है डिपार्टमेंट, किंतु उसको सुनने वाले व्यापारियों कोई नहीं है। इसीलिए हमने मांग करके एक व्यापार मंत्रालय अलग से घोषणा की थी, उसमें व्यापार मंडल वो बनाया भी गया था पिछली सरकार में, लेकिन वो लास्ट में बना था और वो कोई कागजों में ही रह गया और उसमें कोई कार्य में नहीं आया। अब पुनः जब इस बार पिछला बजट हुआ था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर बजाया, तो उसमें भी मैंने खुद ये सजेशन दे के आया था कि आप इसको व्यापार मंत्रालय है इसको दोबारा चालू करिए और इसको व्यापारियों की समस्या, आज कहाँ जाए व्यापारी, आज ट्रेडर कहाँ जाए, इंडस्ट्री के तो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, सेक्रेटरी भी है, एमएसएमई सेक्रेटरी भी है, हमारा इंडस्ट्री कमिश्नर भी है, जॉइंट सेक्रेटरी भी है और सारा इंडस्ट्री डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री पूरा डिपार्टमेंट है, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट का एमएसएमई डिपार्टमेंट है, यहाँ जयपुर में भी पूरे देश में है, पूरे राजस्थान में तहसील स्तर पर सारे डिपार्टमेंट, किंतु ट्रेडर्स के लिए ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ये व्यापार मंत्रालय बन जाए अलग से, व्यापारियों की मांग जो व्यापार बना था पिछली बार भी उसको दोबारा लागू कर दिया जाए, उसमें हम व्यापारियों को स्थान, उसमें खाली आपके सरकारी तंत्र या ब्यूरोक्रेट्स रखे तो वो उनको नहीं, ये उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अरुण जी कल, अरुण जी अभी क्योंकि COVID-19 की जो महामारी है वो लगातार एक महामारी विपदा के रूप में आई है, जिसमें चाहे व्यापारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे आप और हम सभी हो, सभी को इस महामारी से जूझना पड़ रहा है, इससे लड़ना पड़ रहा है। कल जैसा कि हमारी किशोर जी जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि वो लगातार 3 महीने से मुख्यमंत्री से समय ले रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री उनको समय नहीं दे पा रहे, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि मुख्यमंत्री मिलना ही नहीं चाह रहे आपके राजस्थान दुकानदार महासंघ के लोगों से? देखिए इसके लिए तो मैं ये बोलना ये कर भी सकता हूँ कि अभी COVID-19 जैसी है, सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग मैटर जो है तो, लेकिन चूंकि मैं आपके चैनल के मार्फत से व्यापारियों की एक बात और उठाना चाहूंगा, 90,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया,
लेकिन इसमें न तो कोई एमएसएमई को मिला हमको, जो बिजली का हमारा फिक्स चार्ज है, पावर फैक्टर चार्ज है, उसमें कुछ रियायत मिली आज तक, और न ही कोई व्यापारियों को कुछ मिला। आज जिस तरह किसानों को डायरेक्ट जाता है पैसा उनके खाते में, आज इसी तरह का कोई सिस्टम कर देते कि हमारे दुकानदार भाई, हम पूरे देश में मानते हैं करीब 7 करोड़ दुकानदार है, व्यापारी है, और हमारे राजस्थान में भी 1 करोड़ से ज्यादा व्यापारी है, तो ऐसे में ऐसा कोई सिस्टम लाते कि हमारे खाते में भी ऑलरेडी जो पैसा, भले ही मेरे हमको फ्री में नहीं चाहिए, खैरा मैं आपके चैनल के मार्फत से सरकार को, दोनों सरकारों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर हमको खैरात, हम व्यापारी नहीं चाहते हैं, हमको ऐसे समय में जहां हमको लेबर का पेमेंट करना, हमारे कर्मचारियों का पेमेंट करना, और हमारी दुकानें बंद है, हमारा व्यापार बंद है, पिछले 4-3 महीने से ऊपर हो गया, ऐसे समय में हमको भी लिक्विडिटी चाहिए, हमारे जो पैसे फंसे हुए हैं, क्योंकि सारा माल आज उधार में जाता है, क्रेडिट में जाता है, सारा कैश का तो आते हैं चले जाते हैं कस्टमर, किंतु ऐसे में हमको भी पेमेंट चुकाना पड़ता है, ऐसे में हमको भी कोई ऐसा लिक्विडिटी मिलता, हमारे टर्नओवर के हिसाब से देते, हम जितना टैक्स देते हैं जीएसटी उसके हिसाब से हमको कुछ ऐसा हमारे खाते में भी कुछ ट्रांसफर होता, तो निश्चित रूप से ये व्यापारियों के लिए एक संबल प्रदान करता। बिल्कुल, मैं भारतेंदु जी आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, जो जयपुर में या जोधपुर या बीकानेर में जो दुकानदार हैं, उनको उनकी दुकानों के शटर डाउन थे पिछले 3 महीने से लगातार, उसके बावजूद भी उनके जो बिजली के बिल हैं वो करीब 20,000, 25,000 और 15,000 से ऊपर आए हैं। आप क्या हनुमानगढ़ उस इलाके में भी इस तरह की परेशानियां दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, इसी तरह से यहाँ हनुमानगढ़ में भी रहा है कि एवरेज बिल दिया गया है सबको। और जहां तक व्यापार की बात करें, व्यापार कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, स्कूल ड्रेसेस का बिजनेस है वो स्कूल के साथ कनेक्ट है, अपने कैटरिंग का बिजनेस है वो किसी और के साथ कनेक्ट है, तो एक दूसरे का बिजनेस कहीं ना कहीं कनेक्ट है, जब तक वो व्यापार नहीं चलेगा तब तक दुकानें नहीं खुल पाएगी, यही स्थिति आज हनुमानगढ़ में भी है। और बिल आ रहे हैं 15,000, 20,000 और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, आप डिपार्टमेंट के चक्कर काटते रहे भी करते रहे लेकिन किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं है जी। तो यानी कि लगातार बिजली की जो समस्या है वो हनुमानगढ़ और दूसरे इलाकों में भी लगातार चल रही है, बिजली के बिल जो ज्यादा आए हैं। यहाँ पर एक सवाल और अरुण जी, क्योंकि आप कई संस्थाओं से जुड़े हैं, 40 से भी जुड़े हैं और आप दुकानदार महासंघ से भी जुड़े हुए हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, पूरा देश, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकार हो, और देश का हर आम नागरिक जो चाइनीज सामान है उसके विरोध में है कि चाइना से सामान हम नहीं खरीदेंगे, चाइना का जो माल है वो हम नहीं खरीदेंगे, क्या इसका असर भी दुकानदारों के ऊपर पड़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के आइटम हो, मेडिसिन हो, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लगातार हम चाइना से अरबों रुपए का ट्रांसपोर्ट हमारे भारत में आता है, तो ये सब बंद होने से भी क्या व्यवसायी है दुकानदारों के ऊपर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। आज चाइना से इतने आइटम आते थे हर आदमी के जेहन में और हर आदमी के डेली यूज में आ गए, इसके लिए अपने को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, रोड मैप बनाना पड़ेगा। ये कोई जलन है नहीं कि आज बंद कर दिए और आज काम खत्म हो गया। आज व्यापारियों की दुकानों में इतना सामान पड़ा हुआ है, वो तो सामान आ चुका है ना, तो उसको तो कोई फेंकेंगे नहीं, उसमें तो कोई नुकसान नहीं कर सकते, कोई भी व्यापारी नहीं कर सकेगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रोड मैप बनाना पड़ेगा दोनों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैंने इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल। आपको नहीं लगता कि सरकार की जो घोषणाएं हैं वो बहुत जल्दबाजी में घोषणाएं हो रही हैं? बिल्कुल सही बात है, जल्दबाजी में घोषणा हो रही है, इसको तो पूरे ढंग से समझ के, अच्छी तरह समझ के, क्योंकि व्यापारी नहीं कंज्यूमर भी इससे इफेक्ट हो रहा है। आज कंज्यूमर को कोई लाइट का ही आप बोले, लाइट आज लेते हैं तो चाइना की अपने को हो सकता है 25 रुपए मिल जाए, 50 रुपए मिल जाए, और इंडियन या और कोई मिले तो 100 रुपए मिले, ऐसे में कंज्यूमर भी एक साथ टर्नओवर नहीं होगा, एक्सचेंज ओवर नहीं होगा कि भाई नहीं हम इसको नहीं लोगे इसको ले लेंगे, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रोड मैप की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा सबको, इनको हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज बना के और बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके, ये कोई एक दिन का खत्म होने वाला नहीं है। अब फिर भी हम क्योंकि भारतीय की हम लोग की भावना है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने और मेक इन इंडिया और मेक इन राजस्थान का नारा देते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा राजस्थान आगे बढ़े, और उससे राजस्थान आगे बढ़ेगा तो इंडिया भी आगे बढ़ेगा, हमारी जीडीपी भी जो आज ट्रेडर्स के हाथ से बहुत ज्यादा है, ऐसे में मैं चाहता हूँ इसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बिल्कुल, हमारे साथ शशिकांत जी भी जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ जी। शशिकांत जी आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं लगातार कोविड-19 से, जिस तरह हमारा पूरा देश और दुनिया जो है वो इस महामारी से युद्ध लड़ रही है, और हमको आज नहीं तो कल इस बीमारी से जीतना है, और हम निश्चित रूप से जीत कर ही रहेंगे। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो दुकानदार हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं,
उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, इनके तरफ से बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की योजनाओं का जो पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है, या फिर नीचे तक जिन व्यक्तियों को इसका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार एसी कमरों में बैठ करके योजनाएं बहुत बनाती है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं होता जिससे एंड यूजर तक, बॉटम तक वो सुविधाएं, व्यापारी को हो या आम जन को हो, वो सुविधाएं पहुंच पाए। सरकार को ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करने की जरूरत है। मोदी जी इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन सर, वो जब 20 लाख करोड़ रुपए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि शायद इसमें से कुछ भाग जो है हम आम लोगों के पास भी आएगा, कुछ व्यापारियों के पास भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे अभी तक, मैं लगातार इतने कार्यक्रम कर चुका हूं, मुझे किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो व्यवसायी हो चाहे वो किसी भी क्षेत्र का, उसने ये बात नहीं कही कि इसका लाभ हम लोगों को मिला है। तो आखिर क्या वो सिर्फ कागजों में रहा है या कहां गया वो इतना रुपया? देखिए, मैं जहां तक 20 लाख करोड़ की अगर मैं बात करूंगा तो वो सिर्फ लुभावने वादे थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो सकता। हम भी बाजार में घूम रहे हैं, मैं खुद भी व्यापारी हूं, मैं भी बैंक में गया हूं, मुझे खुद को लोन की जरूरत है, लेकिन जो दिशा निर्देश सरकार ने दिए हैं उनको पूरा करना बैंक का काम है, और बैंक के पास ऐसी कोई ठोस गाइडलाइन आई हुई नहीं है। मैंने बैंक वाले से सीधा मैनेजर से सवाल ये किया कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई गाइडलाइन है, आप हमको लिखित में दे सकते हैं? वो कह रहे हैं वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मोदी जी ने आकर के कह दिया, वित्त मंत्री ने कह दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ भी जनता के पास नहीं आ पाएंगे। लोन के रूप में देना चाह रहे थे, लोन के रूप में भी ये जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर भारतेंदु जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा जो मैंने अरुण जी से सवाल किया था, क्योंकि मैंने देखा है कि चाहे हनुमानगढ़ हो या बीकानेर हो, गंगानगर हो, आसपास का जो पंजाब से लगता हुआ जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर भी जो चाइनीज आइटम है उसकी काफी बिक्री होती रही है। अब क्योंकि लगातार वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम और लगातार एकदम से बंद कर दिए गए, तो क्या व्यवसायियों पर, दुकानदारों पर इसका कितना असर पड़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से दुकान जी, भारतेंदु जी, हाँ जी, निश्चित रूप से दुकानदारों पे इसका काफी व्यवसाय पे असर पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज चीजें हैं जो कस्टमर क्या है, सस्ती चीज देखता है, रेट वाइज, प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज, तो उसको नेचुरली कहीं ना कहीं चाइनीज आइटम में दिखाई देता था। ठीक है, चाइनीज के साथ इस समय हमारा एरर चल रहा है, सब कुछ है, उस चीज को लेकर देश में अवेयरनेस भी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवसाय पे इस चीज का पूरा प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक आत्मनिर्भर की बात है, आज हम अपने देश के अंदर उस प्रोडक्ट की सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक सरकार की गाइडलाइन स्पष्ट नहीं होगी, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा तंत्र स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि आम दुकानदार तो यहाँ जीएसटी और इनकम टैक्स के चक्कर लगाता रहता है, वो कहाँ से आत्मनिर्भर हो पाएगा? बिल्कुल, कभी किसी चीज को अप्रूव करवाना है तो उसको कहीं ना कहीं लाइन में लगना पड़ेगा, तो इन चीजों को देखते हुए आज हमें लगता है कि सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या कारण मानते हैं कि अगर हमारी भारत में हम आत्मनिर्भर होते हैं और हम खुद किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तो वो प्रोडक्ट हम मार्केट से 1000 रुपए में खरीदते हैं, लेकिन चाइना का वही प्रोडक्ट जो है हमें 300 रुपए में ही मिल जाता है या 400 रुपए मिल जाता है, तो 50-60% जो है कम में चाइनीज आइटम मिलता है, इसका क्या कारण मानते हैं, क्या रीजन है इसका? देखिए, कारण तो एक तो वहां की क्वालिटी है, वहां की फिनिशिंग है, उसके कारण, लेकिन इसके लिए इंडिया में डेवलपिंग है, भारत में विकास करने के लिए सप्लाई चेन को वापस आना होगा। सप्लाई चेन जो आज ब्रेक हो चुकी है कोविड-19 कारण, उसके कारण फैक्ट्री से जो माल चलता है और दुकानदार तक जाता है और कंज्यूमर तक जाता है, और सप्लाई चेन पूरी ब्रेक हो चुकी है। सप्लाई चेन तो सर अभी 3 महीने ब्रेक हुई है, उससे पहले भी यही हालत थी, हमारे भारतीय प्रोडक्ट बहुत महंगे थे और चाइनीज आइटम, इसलिए वो मार्केट में चाइनीज आइटम छा गए। तो क्या हम उस तरह के प्रोडक्ट भारत में तैयार नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसियां नहीं है ना। आज देखिए, डीजल पेट्रोल का, आज क्रूड ऑयल का भाव कितना नीचे चला गया है, और ऐसे में, और हमको उल्टा यहाँ हिंदुस्तान में हमको पेट्रोल डीजल ज्यादा रेट मिला। पेट्रोल डीजल ऐसी एसेंशियल कमोडिटी है, फैक्ट्रियों के लिए भी एक तरह से रॉ मटेरियल है कई जगह, तो बिजली और पेट्रोल, तो दोनों में बिजली में माफ नहीं हुआ हमारा कोई भी पैसा, आज दुकानदार या ट्रेडर्स का ही माफ नहीं हुआ, इंडस्ट्री का ही माफ नहीं हुआ,
दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ रहा है, हर चीज पे इसका प्रभाव आ रहा है। ऐसे में कहां से वो उसको प्रैक्टिकल धरातल पे उतरना पड़ेगा इनको, पर सरकारी पॉलिसियों को सेंट्रल स्टेट को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा आपस में और ये धरातल पे लाना पड़ेगा कि यहाँ कहाँ काम आ रहा है। ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठ के एक एक आइटम को माइनॉरिटी देखेंगे तभी ये हम आपस में ये कम्पीट कर पाएंगे। जी 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 शशिकांत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी शशिकांत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी अरुण जी ने बताया था कि किस तरह से हम चाइनीज माल को और भारतीय जो आत्मनिर्भरता की नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बात कर दें, आत्मनिर्भर हम किस तरह से बनेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप बैंक के पास गए आपको लोन नहीं दिया गया, जबकि आज मान लीजिए मैं कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, नया व्यवसाय भी हो, तो मुझे शुरुआत करने से पहले ही लोगों को कुछ ना कुछ उपहार के रूप में या कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ रिश्वत के रूप में देना पड़ेगा, तो फिर हम उस पैसे को कहां से निकालेंगे। तो इस तरह से लेके हमारा जो आइटम है वो काफी महंगा पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, आपने भी अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी तो आपको किस तरह से कुछ सुविधाएं मिली या फिर आपको भी इन्हीं सब रास्तों से होकर गुजरना पड़ता? देखिए सरकार नीतियां बहुत अच्छी बनाती है, दिखने में बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन सरकार उस नीति को नीचे तक पहुंचा ही नहीं पाती है। मॉनिटरिंग सिस्टम सरकार को बनाना पड़ेगा। सरकार ने अगर ये सोचा है, सरकार ने कोई नीति बनाई है, तो रिवर्स कैलकुलेशन सरकार को लेनी पड़ेगी, वो चाहे ब्यूरोक्रेट से लेनी है या अपने तंत्र से लेनी है। उन्होंने नीति बना दी, सरकार की नीति अच्छी होगी, लेकिन सरकार की नीति का लाभ जब तक नीचे तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रिवर्स कैलकुलेशन सरकार करती ही नहीं है। सरकार ने कह दिया हमने 20 लाख करोड़ दे दिया, क्या मोदी जी ने जानकारी लेने की कोशिश करी कि इस 20 लाख करोड़ में से कितना पैसा बटा? ये डेटास तो ऑनलाइन होते हैं, बिल्कुल उनको लेना चाहिए डे टू डे। जब तक वो ये नहीं करेंगे रिवर्स मॉनिटरिंग, तब तक हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। भागेंद्र जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी अभी पहले घोषणा की थी जो मुद्रा लोन सरकार देती है उसमें 10 लाख अधिकतम थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम इसको 25 लाख रुपए कर देंगे। क्या आपने कभी कोशिश की कि आप इसकी बात करें या आपके वहां पर जो MP हैं MLA हैं, क्या आपने कभी अपनी बात को उनके सामने रखा? क्योंकि कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो आपको अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे शशिकांत जी ने भी अभी बताया कि बैंकों में हम गए थे और बैंकों के पास किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है, वो कहते हैं कि हम एक सिंगल लोन भी आपको नहीं दे सकते। ये उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है। ठीक है, वो कागजों में नीतियां बनी है, वित्त मंत्री ने भी बोला, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, लेकिन इस तरह का कोई भी व्यवहारिक रूप से धरातल पे कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। जी मैं अरुण जी आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप कई संस्थाओं में रहे हैं। एक सरकार ने योजना शुरू की थी लघु व्यापारी मानधन योजना, जिसमें जो 60 साल होते ही व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको पेंशन की योजना थी और उसमें करीब 3 करोड़ दुकानदारों को पूरे देश में इसका लाभ मिलना था। लेकिन सरकार का ये कहना है, केंद्र सरकार का, कि जो दुकानदार हैं वो इसके लिए उत्सुक ही नहीं है। अब तक सिर्फ 4,800 के करीब ही लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए, तो क्या वो इस तरह की जो योजना है सरकार की उसका लाभ नहीं लेना चाहती? एक्चुअल में सरकार की जो पॉलिसी योजना आती है उसका एक तो ढंग से नो हाउ नहीं होता व्यापारियों पे। व्यापारी इतने पढ़े लिखे नहीं है, व्यापारी भी पढ़े लिखे होते तो वो भी आज IAS बन के बैठे रहते, वो भी कहीं बड़े अधिकारी बन के बैंक में अधिकारी बन के बैठे रहते। तो ऐसे में सरकार को जो नियम कानून या जो योजना लाती है उसको मास लेवल पे उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए जो जन साधारण के समझ में आए, ऐसा वो नहीं करते। ऐसे में जब उनको हम व्यापारी तक पहुंच ही नहीं पाते, हम आधे व्यापारी को तो ये मालूम ही नहीं है कि जैसे हम जैसे आदमी है तो हमको तो मालूम है चलो भाई ये आ रही है इसकी मारी है, लेकिन जनरल आदमी को तो जनरल व्यापारी को तो हमारे को मालूम नहीं पड़ता है कि आज ये जो मांग हमारी थी कई वर्षों से मांग थी वो मांग हमारी हुई, लेकिन उसका पूरा लाभ अभी तक कोई व्यापारी को नहीं मिला। इसलिए सरकार की पॉलिसी को बहुत प्रचार प्रसार करके हर चीज में ला के और व्यापारियों को 1-to-1 जो क्योंकि उनके पास डाटा है, GST में रजिस्ट्रेशन है, सब रजिस्ट्रेशन है, वो 1-to-1 भी उसको पब्लिश कर सकते हैं कि भैया आप इसके लायक हो, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराओ तो करो, लेकिन सरकार चाहती नहीं। सरकार पॉलिसी बना दी, अपना काम कर दी। दूसरी बात में हो रही है, आप फिर मेरे को दो दो, ये बैंक के जो ब्याज रेट है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जी।
हिंदुस्तान में लेबर रेट बहुत चीप है। आज हमारा व्यापारी पूरे विश्व में जो है 10 से 5 बजे तक काम करता है 6 बजे, लेकिन हमारा व्यापारी सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम नहीं करते आ रहे हैं। ऐसे में जो बैंक जो हमको आज रेट दे रही है, आज बैंक फिक्स डिपोजिट में तो रेट कम कर दी, 4% 5% में लिया है फिक्स डिपोजिट के रेट, और हमको जो ब्याज दे रहे वो 9% 10% में दे रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेवल को, रेपो रेट को लेवल में लाना पड़ेगा, तभी भारत विकास कर सकेगा, तभी भारत टक्कर कर सकेगा, क्योंकि हर चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाके इफेक्ट पड़ता है, चाहे बिजली हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, या बैंक की रेट इंटरेस्ट रेट हो, इसमें सब में आज ईएमआई को उन्होंने 6 महीना कर दिया लेकिन छूट नहीं दी अभी तक। हम बराबर मांग करते हैं कि हमको इसमें छूट दी जाए, जिससे व्यापारियों को जो कि उनकी दुकान आज बिजली के बिल आ गए। आज ये सोलर का ही बात करता हूँ, कई सोलर यूनिट यहाँ लगी हुई है और कई फैक्ट्री आपने खुद को कंजम्पशन ले लेती है, लेकिन ये 3 महीना में सोलर जो प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन उसका सेटअप नहीं दे रहे, तो 3 महीना भर बाद हो गया आपका बिजली आप कंजम्पशन नहीं किए और आपको सेटअप नहीं दिया। तो ये सब पॉलिसियां गवर्नमेंट को खूब धरातल पे लेके चलना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से भारत एक दिन, क्योंकि 21वीं शताब्दी जो हम बोलते हैं, हम गौरव स्वामी विवेकानंद जी कहके गए हैं, तो ऐसी 21वीं शताब्दी में निश्चित रूप से हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए 1-to-1 ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये सब होना पड़ेगा, तभी भारत और राजस्थान। निश्चित तौर से सरकार की जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं, लेकिन वो धरातल तक आते आते कहीं ना कहीं जीरो हो जाती हैं, क्योंकि जिन लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं उन लोगों को इसका किसी भी तरह का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है। शशिकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार जो सरकार बातें कर रही है कि हमने गरीबों के लिए ये किया, हमने किसानों के लिए किया, हमने मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये किया, हमने उच्च वर्ग के व्यवसायियों के लिए किया, लेकिन किसी तक वो योजनाएं नहीं पहुंची है, तो क्या आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं कि जो व्यवसायी हैं चाहे दुकानदार हैं उनकी क्या डिमांड है सरकार से, ताकि हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सरकारों तक आप लोगों की बात पहुंचा सकें कि आप लोगों की क्या डिमांड है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से आपके माध्यम से जी कि व्यापारियों के लिए जो भी सुविधाएं आती है, या तो इसके लिए कमेटी बना दी जाए, वो चाहे अपने स्टेट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, कमेटी तो बनी हुई है सर, अरुण जी वगैरह के सब उसके मेंबर्स हैं अलग अलग। सर हमारी एक्सेस होनी चाहिए ना वहां तक। आज अरुण जी से मिलने के लिए मुझे टाइम लेना पड़ेगा, कोई ऐसा बंदा वहाँ मैं सबके लिए 24 घंटा 365 दिन सबको मालूम है पूरे राजस्थान में। देखिए, फिर भी ऐसी कमेटी बने और सक्रिय कमेटी बने जिससे कि हमारी जो बात है, सरकार जो योजनाएं बना रही है वो हम तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसकी जानकारी वापस सरकार को कैसे पहुंचे, उसके लिए हमें किसी एक मीडियम की जरूरत है, एक मीडिया की जरूरत है, कोई मध्यस्थ की जरूरत है। मैं अरुण जी से ही कहूंगा कि अरुण जी खुद बैंकों में जाएं और बैंकों से फीडबैक लें, बैंक में 4 बैंकों में जाएं, दिन में पता लग जाएगा कि वहां कितने व्यापारी आ रहे हैं और कितने व्यापारियों को कंसीडर किया जा रहा है। सिर्फ उनको कंसीडर किया जा रहा है जिन्होंने पहले से जिनके लोन चल रहे हैं, सिर्फ उनके 20% लोन बढ़ाए जा रहे हैं। 3 लाख करोड़ तो खाली जिनके लोन है उनकी को दे रहा है ना, यही तो मैं बोला अभी चैनल पे, ये चैनल के मार्फत यही अनुरोध कर रहा हूँ कि खाली जो एग्जिस्टिंग लोन है उनको, नए जो आ रहे हैं उनको कहा है, उनका तो कुछ सुविधा ही नहीं है, उनका तो बस वही घाट के तीन पा अपना घूमते रहो और लोन के लिए अप्लाई करते रहो। ये 3 लाख 20 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ जो दिए हैं एमएसएमई के लिए, ये खाली एग्जिस्टिंग लोन वालों के दिए, और 20% मिल जाएगा। मैं अरुण जी आपको बीच में टोकूंगा, उस 20% में अगर किसी व्यापारी की लिमिट अगर 10 लाख है तो उसको सिर्फ 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। सही बात। अब 3 महीने में व्यापारी के पास लिक्विड की जो कमी हुई है, उस 2 लाख से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती, यही तो मैं बोला अभी चैनल पे, ये बात बोल रहा हूँ, बराबर हर चैनल पे बोल रहा हूँ। सिटी लाइव न्यूज का उद्देश्य यही है कि वो आम जनता की जो बात है वो सरकारों तक पहुंचाए, और सरकार उस पे आप लोगों के समर्थन में, आप लोगों के सहयोग में ऐसे निर्णय ले या जो अपनी योजनाएं उनको धरातल तक आए उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करे, ताकि आप लोगों को, हमको सभी को इसका लगातार लाभ मिल सके। भारतेंदु जी, मैं आपसे जाना चाहूंगा क्योंकि समय की भी एक सीमा है, तो चलते चलते मैं फाइनल रिएक्शन आप लोगों का लेना चाहूंगा। भारतेंदु जी, मैं आपसे जाना चाहूंगा कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? सरकार से तो बस हमारा इतना ही कहना है कि जो सरकार योजनाएं बनाती है वो बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन आम लोगों को ध्यान में रखते हुए उन तक वो पहुंचे ऐसी व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि जब आम आदमी को, आम दुकानदार को, आम किसान को जब उस योजना के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो उसका बेनिफिट कहां जाएगा।
उससे भरेगा। बीच में कोई बिचौलिए होते हैं, कुछ और होते हैं, वो उनके चक्कर में रहता है, लाइनों में लगा रहता है, उस तक वो उस चीज का लाभ नहीं पहुंच पाता। तो सरकार जो भी योजना बनाए धरातल तक उसको पहुंचाने की व्यवस्था है। जी शशिकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी बात हमारे साथ जो हमारा कार्यक्रम है इसके माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की योजना होनी चाहिए ताकि आम जनता उसका लाभ उठा सके। देखिए सरकार जो भी नीति बना रही है मेरा तो कहना ये है कि उसका रिवर्स फीडबैक लेना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। मोदी जी ने शौचालय बनाने की योजना दी थी, अच्छी योजना थी, आपको और हमको अच्छे से जानकारी है कि वो लाखों करोड़ रुपए हमारे पानी में बह गए क्योंकि सरकारी तंत्र की कमी की वजह से वो सुविधा लोगों तक प्रॉपर पहुंच ही नहीं पाई। तो योजना मोदी जी ने अच्छी बनाई थी कि हर घर में शौचालय हो, ऐसे ही मोदी जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया, हर व्यापारी को हर आमजन को सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सरकार को अपने अधिकारियों को अपने मंत्रियों को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि ये सरकार की योजनाएं हैं और इसका ऊपर से लेके नीचे तक इम्प्लीमेंटेशन करवाने की जिम्मेदारी मंत्री और सरकारी अधिकारियों की होनी चाहिए। निश्चित तौर से अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे क्योंकि देखिए लगातार आपके जो महासंघ के लोग हैं उनका भी यही मानना है कि मुख्यमंत्री जी उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने महासंघ के लोगों के साथ जाकर और हमारी जो बात है वो हम सिटी लाइफ के माध्यम से तो रख ही रहे हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि अरुण जी आप क्योंकि इतने वरिष्ठ हैं और सभी लोगों को साथ लेकर हमेशा चलने वाले लोगों में से हैं चाहे सरकार कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, आप लगातार लोगों के हितों में काम करते रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो जिससे कि आपके साथियों को फायदा मिले इसका। देखिए मैं आपके चैनल के मार्फत यही कहना चाहूंगा कि जो भी पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या कोई प्रोसीडर आते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेटर नोडल अफसर स्टेट वाइज और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज नियुक्त हो और उसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी निश्चित की जाए कि वो क्या काम किए इस महीने में, इस छह महीने में, इस क्वार्टर में क्या काम किए। वही स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी मैं ये बोलना चाहूंगा आपके चैनल के मार्फत से ये मेरा सुझाव देना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट भी निश्चित रूप से बहुत पॉलिसियां ला रही है, ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट भी एक कोऑर्डिनेटर नोडल अफसर डिस्ट्रिक्ट वाइज या तहसील वाइज क्योंकि सारे अफसर सब जगह है, कलेक्टर से लेकर एसडीएम से लेकर और डीआईसी जीएम तक सब है सब डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे में एक नोडल अफसर को अकाउंटेबिलिटी घोषित करे कि आप ये इस पॉलिसी के तहत ये क्या काम हुआ, खाली कागजों में आके और प्रचार प्रसार करके खाली वो करके इनको कैंप लगाना पड़ेगा, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके बैठना पड़ेगा और वहां देखना पड़ेगा कि कौन दुकानदार हमारा, कौन हमारा व्यापारी, कौन हमारा इंडस्ट्रीज इस पॉलिसी में क्या बेनिफिट लिया। तो ये जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, नोडल अफसर नहीं बनाए जाएंगे तब तक ये धरातल पे नहीं आएगा। निश्चित तौर पर सभी का ये मानना है कि सरकार चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उनकी योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग जो है पूरे अच्छे से तरीके से होनी चाहिए ताकि आम लोगों को इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। और दोस्तों लगातार कोरोना का जो कहर है वो बढ़ रहा है, संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आपको और हमको जब तक जरूरी हो घर पर ही रहना चाहिए, जहां तक जरूरी हो घर से बाहर न निकलें क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा खुद को रखनी है। सरकार और सरकारें तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आपके लिए करती ही रहती हैं लेकिन आपको खुद को अपना ख्याल रखना है। और हमारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके कोई सुझाव हो, उनकी कोई जानकारी हो या फिर वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी कोई बात रखना चाहते हो तो वो हमें हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज पर लिख सकते हैं। अरुण जी आपका, शशिकांत जी आपका और भारतेंदु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक बार आपके लिए एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्ते दीपक जी, बहुत बढ़िया, और आपका A1 चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।